हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है और इस बैठक से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बोलने के बाद फारूक अब्दुल्ला इस बैठक में अपनी बात कह रहे हैं, अपना पक्ष कह रहे हैं और जो 14 नेता बैठक में मौजूद हैं उनमें से फारूक अब्दुल्ला को बोलने का मौका सबसे पहले दिया गया है और फारूक अब्दुल्ला के बाद गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती को मौका दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे सीनियर नेता होने के बावजूद और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पुरानी पार्टी है जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों में, इस लिहाज से भी फारूक अब्दुल्ला को बोलने का मौका दिया जा रहा है। और उनसे जब इस बैठक में जाने से पहले हम लोगों ने बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें जो कहना है वो प्रधानमंत्री के सामने कहेंगे, उन्होंने अपना एजेंडा या वो क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं इसका इस पर कोई उन्होंने इशारा भी नहीं दिया। उनसे ये सवाल भी किया गया था कि महबूबा मुफ्ती की तरह क्या वो भी इस बात की वकालत करते हैं कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, इस पर भी उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये महबूबा मुफ्ती वो अपने दल की नेता हैं, प्रमुख हैं, उनका अधिकार है कि वो ये बात कहें, लेकिन मुझे जो कहना है मैं प्रधानमंत्री के सामने ही कहूंगा। और इस बैठक के बारे में आपसे इतना जरूर कहना चाहते हैं कि तमाम नेता क्या बोलेंगे, किसी ने भी खुलकर बाहर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लोग किस लहजे में अपनी बात कहेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 370 जब से हटी 2019 अगस्त से, उसके बाद आपको याद होगा इन तमाम नेताओं को, बीजेपी के नेताओं के अलावा जितने वहां पर हैं, इनमें से ज्यादातर को या तो नजरबंद किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से या उनको गिरफ्तार करके कई महीने रखा गया, इसमें खुद फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं, उमर अब्दुल्ला शामिल हैं, तो वो अब जब वो बात कहेंगे तो क्या वो गुबार जो है उनका, जैसा अभी आनंद थोड़ी देर पहले आनंद ने शब्द का इस्तेमाल किया, क्या वो अपना गुबार भी वो बाहर निकाल सकते हैं। मैं देवेंद्र के पास जाना चाहूंगा, कोई अपडेट आपको मिल रहा है इस बैठक के अंदर से, अगर देवेंद्र बताएं। सर अब तो ये बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर ये बैठक कर रहे हो तो फिर बाकी इन्फॉर्मेशन आना अब बाहर आना कितना मुश्किल काम है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस चीज को हम लोग देवेंद्र मैं एक बार ये क्लियर कर दूं, ये देखिए ये जब हम यहाँ एंकर सीट पर बैठते हैं तो हम लोग कई बार रिपोर्टर की परेशानी जानते भी वो सवाल पूछते हैं जो हमें पता है कि उसका जवाब अभी बहुत मुश्किल है आना। ठीक कहा आपने कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बैठक चल रही है, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन आना जब आनी होगी तभी आएगी, इतना तो हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आपकी समझ से इस वक्त फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं तो क्या बातें हो सकती हैं? शॉर्ट में कहें, मुझे एक ब्रेक लेना है। निश्चित तौर पर फारूक अब्दुल्ला वो सारे कंसर्न रख रहे हैं और एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो कि बार बार हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर बैठक जब खत्म होगी तो क्या होगा, तो बैठक जब खत्म होगी सौरभ तो जो दल हैं एक्सट्रीम लाइन वाले उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केंद्र सरकार वहाँ पर उन नेताओं को इसलिए बुलाई है कि वो अपनी नाराज़गी दूर कर लें, उन्हें बस ये समझना होगा कि केंद्र सरकार की जो नीति है और वो नीति ऐसी नहीं है बल्कि देश की एक चुनी हुई सरकार, देश के पार्लियामेंट ने वो फैसला लिया और उस फैसले को लागू किया गया है, तो आप उस सेंटीमेंट को कितना समझ पाते हैं देखने वाली बात एक सिर्फ ये होगी। और दूसरी चीज सौरभ कि जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसमें इस बातचीत का कोई संबंध नहीं रहेगा, ये हमारे टॉप सोर्सेज ने ये बताया है कि वो अपनी गति से काम जारी रहेगा, मतलब ये कि करप्शन के जिनके ऊपर आरोप है या एंटी नेशनल एक्टिविटीज के जिनके ऊपर आरोप है कानून अपना काम करता रहेगा और इस बीच ये बातचीत सिर्फ इस लिहाज से है कि उस प्रोसेस को आप समझें और उसमें शामिल हों। हम इंतजार करेंगे कि आप लोगों तक कोई इंफॉर्मेशन और आए और कुछ पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं लेकिन हमारी कोशिश है कि इस बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ा सारा अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएं। छोटा सा ब्रेक। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।